नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्क न्यूज़ में। दोस्तों, आज मैं यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, ठीक है। और एक मेरा जो टॉपिक है वो है कि इतना बड़ा झोल अगर इस भर्ती में हुआ है तो क्या सभी भर्तियों में इसी प्रकार का झोल हो रहा है कई सालों से, और आने वाले टाइम में ऐसा क्या बदलाव होगा, सरकार ऐसा क्या करेगी जो इन भर्तियों में इतना बड़ा घपला नहीं होगा। मुझे तो कोई बदलाव नज़र नहीं आया अभी तक, और ना ही आने वाले टाइम में सरकार इसके बारे में सोचेगी। मुझे इस बारे में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, इतनी उम्मीद मैं करता हूँ। और देखिए, मैं बात कर रहा हूँ किस भर्ती की। देखिए, मैं बात करने वाला हूँ, सबसे पहले जो बात करता हूँ वीडियो भर्ती 2018 को लेकर। सबसे पहले बात मैं करूँगा इस भर्ती पर, ठीक है। दोस्तों, वीडियो भर्ती 18 को लेकर जो है, ये बात तो आप जानते ही हैं कि डबल बेंच में ये केस जो है खत्म हो चुका है और हाई कोर्ट ने केस खारिज कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, ये जो एक कटिंग है न्यूज़पेपर की, जो आज के न्यूज़पेपर में काफ़ी जगह छपी हुई है, भर्ती प्रक्रिया पर विश्वास जरूरी, वीडियो पंचायत अधिकारी व समाज कल्याण सुपरवाइजर की भर्ती पर फैसला। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी व समाज कल्याण सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा निरस्त करने के फैसले को सही करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि दो बार परिणाम घोषित हुआ और दोनों बार भारी खामियां निकलकर सामने आई, ऐसे ही जारी रहा तो अभ्यर्थियों का भर्ती प्रक्रिया से विश्वास खत्म हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या चयन बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया की शुचिता पर अभ्यर्थियों का भरोसा होना जरूरी है, ठीक है। कोर्ट ने एकल पीठ के आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया निरस्त करने के खिलाफ याचिका खारिज करने के फैसले पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने विकास तिवारी व अन्य की विशेष अपील को खारिज करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा, केवल दागी और सही अभ्यर्थियों को अलग कर चयन प्रक्रिया पूरी करने का सवाल नहीं है। भर्ती निरस्त करने से कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है, किंतु इससे सूचित प्रक्रिया की सूचिता पर आम लोगों का विश्वास दृढ़ होता है, ठीक है। तो इन्होंने आम लोगों का दृढ़ विश्वास करने के लिए ऐसा किया है, और खामियों को दुरुस्त करने के बजाय पूरी चयन निरस्त करना सही कदम है। चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए 9 लाख अभ्यर्थियों में से सही गलत छांटने के बजाय विश्वास बनाए रखना जरूरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 24 मार्च 2021 को भर्ती निरस्त कर दी। भर्ती परीक्षा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनी के माध्यम से कराई गई थी। जिन लोगों ने ओएमआर शीट खाली जमा की थी उन्हें सफल घोषित कर दिया गया था। 1952 में से 136 और 1553 में से 393 अभ्यर्थियों की सीट से छेड़छाड़ किए जाने के कारण परिणाम रोक लिया गया। 11 लाख आवेदकों में से 9 लाख ने परीक्षा दी, परिणाम घोषित हुआ तो घपला खुला। इस प्रक्रिया पर प्रक्रिया निरस्त कर नए सिरे से कराए जाने का फैसला लिया गया है। इसकी जांच चल रही है। प्रारंभिक जांच में जिन्हें पकड़ा गया उनको 2 साल तक प्रतिबंधित किया गया। अभी जांच का परिणाम आना बाकी है, और कोर्ट ने रिकॉर्ड देखा और फैसले को सही मानते हुए कहा कि यह भर्ती प्रक्रिया में विश्वास बनाए रखने के लिए जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, कोर्ट का ये फैसला आया है यूपी ट्रिपल एससी की वीडियो भर्ती को लेकर, ठीक है। उनका सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इस भर्ती को लेकर वो ये है कि भाई, हम जो है आम लोगों के अंदर विश्वास बनाए रखना चाहते हैं, इस वजह से हम इस पूरी परीक्षा को निरस्त करते हैं, ठीक है। अब देखिए, निरस्त आपने कर दी, ठीक बात है, लेकिन अब इसका जो री एग्जाम होगा, ठीक है, और जो लेखपाल की भर्ती परीक्षा होगी, और जो RO AR इलाहाबाद हाई कोर्ट का परिणाम घोषित हुआ है वो, या UPSI भर्ती वो, या यूपी ट्रिपल एससी की होने वाली कोई भी भर्ती, हर वो भर्ती जो यूपी ट्रिपल एससी ने कराई है, तो उन सभी भर्तियों पर भी सवाल यहां खड़ा होता है, ठीक है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का अभी RO AR का लिखित परीक्षा, सॉरी फाइनल रिजल्ट जारी हुआ था। उस रिजल्ट में कितने बड़े स्तर पर पैमाना, बड़े लेवल पर, ठीक है, बड़े पैमाने पर एक घपला हुआ है, तो ये बात भी किसी छिपी नहीं है, ये बात सबके सामने है,
तो क्या सारी परीक्षाओं को रद्द किया जा सकता है? क्या सारी परीक्षाओं को रद्द कर देना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल कर देना चाहिए। जब आप किसी भी परीक्षा को पूरी ईमानदारी के साथ नहीं करा सकते, तो भैया सारी की सारी परीक्षाओं को फिर रद्द ही क्यों ना कर दें, ये बात भी सही रहेगी। ठीक है, यूपीएसआई की भर्ती के अंदर आपने देखा कि छात्रों के 392 प्लस नंबर भी आ रहे हैं, जो मैं समझता हूँ एक पढ़ने वाले छात्र के लिए 400 में से 392 प्लस नंबर लाना इम्पॉसिबल है। और ऐसा केवल एक छात्र नहीं है, ऐसे छात्र सैकड़ों की संख्या में हैं। तो क्या इस परीक्षा को भी रद्द किया जाएगा? तो अगर मैं देखूं उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 95% परीक्षाएं ऐसी हैं जिनमें बड़े पैमाने पर घपला हुआ है और आज भी हो रहा है, ये बात किसी भी इंसान से छिपी नहीं है, इस सबके सामने है। तो क्या सरकार इन सभी परीक्षाओं को कैंसिल करेगी? देखिए, कायदा तो यही कहता है कि कैंसिल करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर एग्जाम में इस लेवल का घपला हो रहा है जो कोई समझ नहीं सकता। अब आपने देखा होगा अभी तीन महीने पहले लोअर टू का परिणाम जारी हुआ था, ठीक है, लोअर टू। इस परीक्षा में मात्र 25,000 के आसपास छात्र बैठे थे और इसमें कोई प्री और मेंस एग्जाम नहीं थे, मात्र टोटल 25,000 छात्र थे जिन्होंने एग्जाम दिया था। और इन 25,000 छात्रों में जिसमें सारी की सारी पोस्ट अलग अलग क्वालिफिकेशन की थी, ठीक है, जो कोई सामान्य स्नातक पर नहीं थी पोस्ट, मतलब जितनी भी पोस्ट थी इसमें सारी अलग अलग क्वालिफिकेशन की पोस्ट थी। जब ऐसे एग्जाम में 80% से ज्यादा कट ऑफ जाती है, तो इस बात से साफ पता लग जाता है कि भैया कितने बड़े स्तर पर हर भर्ती में घपला चल रहा है, ठीक है। तो मेरा सवाल एक ये है कि वीडियो का अगर री एग्जाम होगा, जो कि लग रहा है कि होगा, तो क्या वो री एग्जाम पूरी पारदर्शिता के साथ हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि जो जितने भी अधिकारी हैं जो एग्जाम कराएंगे, वो तो अधिकारी सारे अभी वही हैं, ठीक है, जो उस टाइम पर थे। अधिकारी एक भी हटा है क्या? या टीसीएस कंपनी का कर्मचारी है, उस पर कोई कार्रवाई हुई है क्या? आयोग के जो अधिकारी हैं उन पर कोई कार्रवाई हुई है क्या? इन भर्तियों को लेकर, चाहे वो वीडियो भर्ती की बात कर लूं, या वीडियो 2016 की बात कर लूं, या मैं मंडी वाली भर्ती की बात कर लूं, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी की कई भर्तियां ऐसी हैं जिन पर बहुत ही भयंकर सवाल उठे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया गया। तो आगे क्या गारंटी है कि भैया दोबारा एग्जाम होने पे एग्जाम ईमानदारी से हो जाएगा? मैं बिल्कुल ये बात नहीं कह सकता कि दोबारा परीक्षा अगर होती है तो उसमें एग्जाम ईमानदारी से होगा। हाँ, एग्जाम ईमानदारी से तब हो सकता है जब आप जिन्होंने जो इस घपले की जड़ हैं, चाहे वो वीडियो हो भर्ती में हो, चाहे वो मंडी भर्ती हो, किसी भी भर्ती में हो, अगर उस भर्ती की जो जड़ है, उस भर्ती में जिसने घपला करवाया है, जहां से वो जड़ शुरू होती है, क्या आपने उन अधिकारियों पर कार्रवाई की? जब तक उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, पूरे गिरोह का भंडाफोड़ नहीं होगा, उन गिरोह को पकड़ा नहीं जाएगा, जेल के अंदर बंद नहीं किया जाएगा, तब तक ये घपला रुकने वाला नहीं है। ये हर भर्ती में होगा और चल रहा है, ये सब आपके सामने है, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती आई है आरओ यारो की, आपने उसका परिणाम देखा और उस परिणाम में कितना बड़े लेवल पर घपला हुआ है, ये आपके सबके सामने है, ठीक है। तो देखिए, मेरा कहना केवल इतना है कि छात्रों के साथ पूरा ईमानदारी के साथ बर्ताव हो, ठीक है, एग्जाम दोबारा होता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोबारा होने पर भी एग्जाम ईमानदारी से हो, अच्छी ढंग से एग्जाम हो, कोई भर्ती पर आँच ना आए, करप्शन ना हो। देखिए, चक्कर क्या होता है कि चोरी वही है जो पकड़ी जाए, ठीक है, और जो चोरी पकड़ी ना जाए वो चोरी चोरी नहीं होती। घपला हर भर्ती में लगभग हो रहा है, लेकिन जो पकड़ा गया वही चोर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ एग्जाम दोबारा हो, पूरी ईमानदारी से हो और पढ़ने वाले छात्रों को नौकरी मिले, कोई भी गलत छात्र भर्ती में शामिल ना हो, चाहे वो वीडियो री एग्जाम की बात हो, चाहे वो लेखपाल की बात हो, ठीक है ना। तो सभी छात्रों को जो मेहनती है उनको सिलेक्शन मिले, उनके घर में खुशहाली आए और उनके सालों की मेहनत का फल उनको मिले, मेरा केवल इतना कहना है। मुझे री एग्जाम होने से और ना होने से कोई परहेज नहीं है, ठीक है, जो जायज बात है वो करता हूँ अपने चैनल पर, और जायज बात केवल यही है कि अगर री एग्जाम होता है तो पूरा ईमानदारी से हो और जो भी अधिकारी इसमें लिप्त थे उन पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि अभी इस भर्ती की एसआईटी जांच पूरी नहीं हुई है, ठीक है। एसआईटी जांच पूरी होने के बाद कुछ और तथ्य सामने इसमें आएंगे, कुछ और अधिकारी भी सामने आएंगे, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसी के बाद एग्जाम हो, ठीक है, वरना सारा तंत्र वही है जो पहले था,
जब ये वीडियो का एग्जाम हुआ था, जो पूरा तंत्र उस टाइम पे था ना, अधिकारियों का हर चीज सब वही है, उसमें कुछ बदलाव नहीं है। ठीक है, बदलाव केवल क्या होता है कि भाई एग्जाम दोबारा हो जाता है, दो छात्रों को पकड़ के उनको बाहर कर दिया 2 साल के लिए और एग्जाम फिर दोबारा हो गया। जब आपने 2 छात्रों को बाहर कर दिया, लेकिन अगर तंत्र वही है घपले वाला, तो दोबारा भी री एग्जाम में भी घपला होगा, इस बात में कोई शक नहीं है। और री एग्जाम में घपला होगा तो फिर भैया मेरिट भी दोबारा भी उसी लेवल पर जाएगी, हाई फाई लेवल पर। ठीक है, तो एग्जाम दोबारा हो, ईमानदारी से हो, यही मैं उम्मीद करता हूँ सरकार से, और छात्रों को, मेहनती छात्रों को नौकरी मिले। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।